दोस्तों, जब भी हमें भूख लगती है, चाहे दिन हो या रात, हम तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों ना मैगी बना लिया जाए, क्योंकि मैगी बनाने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान होती है और बाकी सब चीज़ों को बनाने के लिए काफ़ी टाइम भी लग जाता है, जिसके वजह से हम भूखे रह जाते हैं। तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि हम नूडल बना लें। और दोस्तों, मैगी बनाने का जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी आसान है। जब भी हमें भूख लगी तो बस मैगी का पैकेट फाड़ा और फिर उसे बॉयल किया और उसमें जो मसाला उसे डाल दिया, मैगी तैयार, फिर हम खा लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये इतना आसान बनने वाली जो सामान है, यानी कि जो मैगी है, आखिरकार ये फैक्ट्री में कैसे बनता है? जब हम इसे खाने में इतनी आसान तरीके से बनाया जा सकता, कि आखिरकार ये फैक्ट्री में भी इसी तरह आसानी से बन जाता होगा? तो आज हम इसी सवालों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिन्हें लोगों ने बताया कि मैगी सुअर से भी बनता है। लेकिन नहीं, आज हम जानेंगे इसकी असली प्रक्रिया के बारे में, कि आखिरकार मैगी बनाने में किस किस सामान का उपयोग किया जाता है और फैक्ट्री में किस प्रकार से तैयार होता है और ये फैक्ट्री में किस प्रकार से तैयार होकर हम तक पहुँचता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही अगर ताकि आपको इसी तरह के और भी रैंडमली वीडियो देखने को मिलते रहें। दोस्तों, मैगी बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है गेहूं। दोस्तों, इसके लिए क्या करें कि गेहूं का आटा बनाया जाता है और इस आटे को तैयार करने के लिए मिक्सर में डालते हैं। और ये मिक्सर काफ़ी छोटा नहीं होता, बल्कि ये मिक्सर काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि फैक्ट्री में काफ़ी बड़े लेवल में मैगी तैयार किया जाता है। दोस्तों, आटे को एक पतली सीट बनाने के लिए रोलर की एक श्रृंखला के माध्यम से उसे भरा जाता है, जिससे क्या होता है कि आटा अपने आप गूंथ जाता है और रोलर की तरह गोल गोल कुछ इस प्रकार से बन जाता है। बनने के बाद दोस्तों, इसे कलात्मक रूप से बारीक नूडल स्टैंड में काटा जाता है। और बारीक नूडल स्टैंड में काटने का कारण यह है कि इसे पतली लेयर में धागे की सहायता से और पतला किया जा सके। दोस्तों, नूडल के रूप में इसे काटने के बाद अंतिम नूडल केक बनाने के लिए इसे धागों में लहराया जाता है। और ये धागा इतनी पतली होती है कि इसके सामने भी अगर आप चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि आप सामने खड़े हैं या फिर नहीं। दोस्तों, उसके बाद में जो नूडल बनता है वो काफ़ी पतला बनता है और यही इसका प्रोसेस है। दोस्तों, उसके बाद में इस नूडल को मोड़ा जाता है और फिर इसे पकाया जाता है। दोस्तों, पकाने से पहले जो नूडल लहराया जाता है उसे सुखाया जाता है अच्छी तरह से, और इसे सुखाने के लिए फैन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इसे पकाया जाता है। पकाने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इसकी पैकिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद में ये नूडल हर दुकानों में पहुँचते हैं और दुकानों से हम तक पहुँचती है, और ये नूडल हम बड़े ही आसानी के साथ बना लेते हैं और फिर खाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जाने मैगी बनाने की प्रक्रिया के बारे में। तो इसे देखकर आपको यह पता तो चल ही गया होगा कि मैगी बनाने के लिए ना ही किसी सुअर की ज़रूरत होती है, ना ही किसी मांस की ज़रूरत होती है, बल्कि मैगी बनाने के लिए तो आटे की ज़रूरत होती है। और आपको एक बता दूं कि जो नूडल होता है इसमें सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए नूडल का उपयोग आप उसी समय करें जब आपका मन कर रहा है या फिर आप उस समय किसी चीज़ को बना नहीं पा रहे। दोस्तों, नूडल खाना ज़्यादा हमारे लिए सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको नूडल बनाने की प्रक्रिया तो समझ में आ गई होगी। तो नूडल बनाने की प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको मैगी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना।